हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय एजुकेशन पर। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 25 जून का करंट अफेयर, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 25 जून के हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं, विराट कोहली या स्टीवन स्मिथ या रोहित शर्मा या क्रिस गेल। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी विराट कोहली। यानी हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 11,000 रन पूरे कर लिए हैं और विराट कोहली इस मुकाम पर सबसे तेजी से पहुंचने वाले बल्लेबाज बने हैं। और आपको ये भी बताता हूँ कि विराट कोहली से पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था और विराट कोहली ने अपने वनडे करियर के 222वीं पारी में 11,000 रन पूरे किए हैं और इस स्कोर तक पहुंचने के लिए उन्हें 57 रन की ज़रूरत थी। तो ये उपलब्धि है वो उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध विश्व कप 2019 के 22वें मैच में विराट कोहली ने हासिल की है और उन्होंने सचिन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सचिन तेंदुलकर ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 276 पारियां खेली थी और सचिन ने वनडे में 463 मैचों में 18,426 रन बनाए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों दो नंबर, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, जिसको भी आंसर बताया जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। नीलकेश गौर या जेपी नड्डा या अजय नाथ या अमित शाह है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी जेपी नड्डा। यानी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए जेपी नड्डा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। और नड्डा है वो दिसंबर तक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे और शाह द्वारा गृह मंत्रालय का जिम्मा संभालने के बाद कई नाम इस दौड़ में शामिल थे, लेकिन नड्डा का नाम है वो इसमें सबसे ऊपर था। और रक्षा मंत्री जिनका नाम है राजनाथ सिंह, तो उन्होंने कहा है कि अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने या भारतीय जनता पार्टी ने कई चुनाव जीते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों तीन नंबर, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मोहम्मद मुरसी का निधन हुआ है, तो वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, मिस्र या इराक या कुवैत या अफगानिस्तान। जिसको भी आंसर बताया जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मोहम्मद मुरसी का निधन हो गया है, तो वह कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी मिस्र के। यानी हाल ही में मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुरसी 17 जून 2019 को अदालत में सुनवाई के दौरान गिर पड़े और उनका निधन हो गया और वे 67 वर्ष के थे और पूर्व राष्ट्रपति जासूसी के आरोप में अदालत की नई सुनवाई में हिस्सा ले रहे थे, तभी वह अचानक से बेहोश हो गए और उनका निधन हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों चार नंबर, इसका आंसर बताइए जल्दी से जिसको भी बताया। हाल ही में कौन वनडे मैच की एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्के यानी 17 छक्के लगाए हैं, तो लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं, जोस बटलर जो कि इंग्लैंड के हैं या डेविड मिलर जो कि दक्षिणी अफ्रीका के हैं या इयन मॉर्गन जो कि इंग्लैंड के हैं या फखर जमान जो कि पाकिस्तान के हैं। कौन सा आंसर होगा दोस्तों जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। यानी हाल ही में कौन वनडे मैच की एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी इयन मॉर्गन जो कि इंग्लैंड के हैं। यानी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का 24वां मैच 18 जून 2019 को अफगानिस्तान बनाम इंग्लैंड के बीच खेला गया था और इस मैच में मेजबान इंग्लैंड ने 150 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी और इंग्लैंड के जो कप्तान हैं जिनका नाम है इयन मॉर्गन, तो उन्होंने छक्कों का एक विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इयन मॉर्गन ने वनडे मैच की एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं और इयन मॉर्गन ने अफगानिस्तान के विरुद्ध अपनी पारी का 17वां छक्का लगाते ही विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और इयन मॉर्गन ने इससे पहले क्रिस गेल ने विश्व कप 2015 में एक मैच में 16 छक्के लगाए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों पाँच नंबर,
कौन व्यक्ति हाल ही में 17वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? शिवम पांडे, ओम बिरला या कमलकांत सुरेखा या जयदीप ठाकुर? कौन सा आंसर होगा दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। कौन व्यक्ति हाल ही में 17वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ओम बिरला। इसका आंसर क्या होगा? बी, ओम बिरला, यानी बीजेपी नेता और कोटा से सांसद जिनका नाम है ओम बिरला, वो लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं और लोकसभा स्पीकर के लिए बीजेपी के नए या कई सीनियर नेताओं के नाम चर्चा में थे और इसमें मेनका गांधी, राधा मोहन सिंह और एसएस आहलूवालिया और वीरेंद्र कुमार और रामपति त्रिपाठी का नाम भी शामिल था और राजस्थान के कोटा बूंदी से सांसद जिनका नाम है ओम बिरला, वो 3 बार विधायक और 3री बार सांसद चुने गए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, इसका आंसर बताइए। किस आईटी कंपनी ने हाल ही में लिब्रा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है? गूगल, फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट या इन्फोसिस? कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। किस आईटी कंपनी ने हाल ही में लिब्रा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है? हाँ तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा बी, यानी फेसबुक, यानी हाल ही में दुनिया की बेहतरीन आईटी कंपनी फेसबुक ने 18 जून 2019 को आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दिया है कि वह अपनी क्रिप्टो करेंसी ला रही है और जिसका नाम लिब्रा होगा। और बता दें कि इस कदम के पीछे कंपनी का मुख्य उद्देश्य है एक लो कॉस्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बनाना है जो कि स्मार्ट डिवाइसेस के जरिए उपलब्ध हो सके और इस क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कंपनी के विश्वभर में मौजूद 200 करोड़ यूजर्स कर सकेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, इसका आंसर बताइए जिसको भी पता है। हाल ही में ब्रिटिश हेराल्ड ने एक रीडर्स पोल में किसे वर्ष 2019 का सबसे ताकतवर शख्स चुना है? नरेंद्र मोदी या व्लादिमीर पुतिन या डोनाल्ड ट्रंप या शी जिनपिंग? कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। यानी हाल ही में ब्रिटिश हेराल्ड ने एक रीडर्स पोल में किसे वर्ष 2019 का सबसे ताकतवर शख्स चुना गया है? किसको चुना है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी नरेंद्र मोदी को। यानी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति चुना गया है और पीएम मोदी को ब्रिटिश हेराल्ड ने एक रीडर्स पोल में 2019 का सबसे ताकतवर शख्स चुना है और इस रीडर्स पोल में मोदी ने विश्व के अन्य नेताओं जैसे व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग को पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया है और इस सूची में विश्व भर की 25 से अधिक शख्सियतों को शामिल किया गया था और जज करने वाले पैनल एक्सपर्ट्स ने सबसे ताकतवर शख्स के चयन के लिए 4 उम्मीदवारों का नाम सामने रखा तो चयन प्रक्रिया का मूल्यांकन इन सभी आंकड़ों के व्यापक अध्ययन और रिसर्च पर आधारित था, इसलिए नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति चुना गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, इसका आंसर बताइए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? जल्दी से बता दीजिए, 21 जून को, 20 जून को या 18 जून को या 11 जून को? कौन सा आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 21 जून को। 21 जून 2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। आमतौर पर योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए किया जाता है और योगा करने से मन को शांति भी मिलती है और योग की शुरुआत है वो लगभग 5000 साल पहले हुई थी और योग की शुरुआत के दौरान इसका अभ्यास स्वस्थ और ताकतवर बनने या ताकतवर बने रहने के लिए किया जाता था और योग कई प्रकार का होता है जैसे कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, जन योग और हस्तयोग। और भारत में हस्तयोग का अभ्यास कई आसनों के रूप में किया जाता है और आमतौर पर ये डे लोगों का योग के फायदों के बारे में जागरूक करने के लिए भी मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। जीएसटी परिषद ने हाल ही में मुनाफाखोरी
रोधक प्राधिकरण का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया है? जून 2021 तक या नवंबर 2021 तक या जुलाई 2021 तक या अप्रैल 2021 तक? कौन सा आंसर होगा जल्दी से बता दीजिए, जिसको भी आंसर पता है। यानी जीएसटी परिषद ने हाल ही में मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी नवंबर 2021 तक। नवंबर 2021 तक, यानी माल एवं सेवा कर जिसको जीएसटी बोला जाता है, तो परिषद ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण जिसको एनएए बोला जाता है, तो उसका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। और जीएसटी परिषद ने प्राधिकरण कार्यकाल 2 साल के लिए नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। और जीएसटी दरों में कटौती का लाभ है वो उपभोक्ताओं को नहीं देने वाली कंपनियों पर 10% तक जुर्माना लगाने को भी मंजूरी प्रदान की है। और जीएसटी परिषद की 21 जून 2019 को हुई 35वीं बैठक के बाद राजस्व सचिव ए बी पांडे ने संवाददाताओं से कहा है कि जीएसटी नेटवर्क पर पंजीकरण के लिए कंपनियों को आधार के इस्तेमाल की अनुमति देने का भी फैसला किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। किस महिला हॉकी टीम ने हाल ही में FIH सीरीज फाइनल्स का खिताब जीता है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत या चीन? कौन सा आंसर होगा जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। किस महिला हॉकी टीम ने हाल ही में FIH सीरीज फाइनल्स का खिताब जीता है? कौन सा आंसर होगा? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी भारत। यानी कप्तान, भारत के कप्तान कौन है? रानी रामपाल के गोल के बाद ड्रेग फिलकर या गुरजीत कौर के 2 गोल की बदौलत भारत ने रविवार को फाइनल में मेजबान जापान को 3-1 से हराकर महिला FIH सीरीज फाइनल्स हॉकी टूर्नामेंट अपने नाम किया है। और भारतीय महिला टीम ने हिरोशिमा हॉकी स्टेडियम में एशियाई चैंपियनशिप पर शानदार जीत हासिल की है। और कप्तान रानी ने 3rd ही मिनट में भारत को बढ़त दिला दी, लेकिन कानोन मोरी ने जापान के लिए 11वें मिनट में गोल कर बराबरी दिला दी थी। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी भारत। किस महिला हॉकी टीम ने हाल ही में FIH सीरीज फाइनल्स का खिताब जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत ने। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 25 जून के। अगर आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में। और आपको इसकी PDF फाइल भी मिल जाएगी कुछ ही देर में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के द्वारा, यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ रहे।